कठिनों में अदा तेरी है, तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे, उसी में जो रज़ा तेरी हो किरदार बुजुर्गों की दुआ लेता है। वाह, मेरा किरदार बुजुर्गों की दुआ लेता है। वाह, कोई मौसम हो इबादत का मजा लेता है, रोज करता है मेरी जात पे दुश्मन हमला, मेरा अल्लाह मुझे रोज बचा लेता है। ए मेरे अल्लाह, क्या बात है। ए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, ये चार मिसरे बिल्कुल अलग अंदाज के पेश कर रहा हूं। बहुत अच्छे सुनने वाले मेरे रूबरू मौजूद हैं। सारे गपत सादा पगरे इरशादे इरशादे मुस्तफा मेरा, ईमान हो गया इरशादे मुस्तफा मेरा, ईमान हो गया मेरी हया तो मौत का सामान हो गया। अल्लाह हरे जबाने मोहम्मद का वो असर, जो कुछ कहा जबान से कुरान हो गया, जो कुछ कहा कुरान से जबान से कुरान हो गया, जबान पे कुरान हो गया। क्योंकि हाँ साहब आशिकाने रसूल से चार मिसरों पे तवज्जो चाहूंगा मेरे नौजवान भाइयों से भी, कि वो जाली सब्ज गुंबद सहने रोजा देख लेता हूं, वो जाली सब्ज गुंबद सहने रोजा देख लेता हूं, जरा सा सर झुकाता हूं मदीना देख लेता हूं। रिपीट कम करो थोड़ा, सिंगल का रिपीट कम। वो जाली सब्ज गुंबद सहने रोजा देख लेता हूं, जरा सा सर झुकाता हूं मदीना देख लेता हूं, कभी रहता हूं मक्का में कभी जाता हूं मैं ताइफ, मैं नातों के सफर में देख क्या क्या देख लेता हूं, मैं नातों के सफर में देख क्या क्या देख लेता हूँ।
हाँ मेरे नौजवान भाइयों से इन चार मिसरों पर खास तवज्जो चाहूंगा। मतला शो करने से पहले कि दिया रोशन हुआ गारे हीरा से इसकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हीरा से इसकी अजमत का, ये मेहराबे हरम और अर्श के जीने पे लिखा है। सियासी नफरतों की आग इसको क्या बुझाएगी कि ये कुरान कागज पर नहीं सीनों पे लिखा है। ये कुरान कागज पर नहीं दिल के सीनों में लिखा है। लीजिए नात का मतलब पेश कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं नात नाते रसूल, पहली मरतबा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। कि मेराज की शब में नूरानी, मशहूर शायर जनाब शकील आजमी कहते हैं कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है
मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तस्लीम करता है। अल्लाह के प्यारे मोहम्मद की मुलाकात का से, और हजरत का नाम तो नहीं जानता, उनके हाथों से सदका रसूल मिला है। अल्लाह से प्यारे मोहम्मद की मुलाकात का आलम क्या होगा, कभी मकां तो कभी मकामे मुस्तफा क्या है, कभी मकां तो कभी पल में ला मकां पहुंचे, कभी मकां तो कभी पल में ला मकां पहुंचे, हुजूर नूरे मुजस्सम कहां कहां पहुंचे। क्या बात है, कभी मकां तो कभी पल में ला मकां पहुंचे, हुजूर नूरे मुजस्सम कहां कहां पहुंचे, जहां ख्याल की परवाज होश खो बैठी, खिरद ने देखा मेरे मुस्तफा वहां पहुंचे। प्यारे मोहम्मद की मुलाकात ज्यादा नहीं, कम वक्त में सुना रहा हूं। जब मुलाकात हुई तो क्या हुआ, आपने बहुत नाते रसूल सुनी है, लेकिन इसमें कुछ अलग अंदाज में लेके आया हूं, बिल्कुल पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं आप लोगों के बीच में। सरकार जो पहुंचे अर्श पर, जब नूर से नूर मिला होगा, जब नूर से नूर मिला होगा, जब नूर से नूर मिला होगा, उस रात का आलम क्या होगा।
कर रहा हूँ, इसके बाद नक्ता पेश करूंगा। अल्लाह से जब सरकारी दो जहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो क्या हुआ? अल्लाह कह रहा है, उस बात की अजमत क्या होगी, उस बात का आलम क्या होगा, उस बात की अजमत क्या होगी, उस बात का आलम क्या होगा, उस बात की अजमत क्या होगी, उस बात का आलम क्या होगा, उस बात का लताफत है उनकी शान न पूछ। वो बादशाह लताफत हैं उनकी शान न पूछ। अकीदतों के महकते कंवल में रहते हैं, उन्हें ना ढूंढ इन दुनिया के शीश महलों में, मेरे रसूल दिलों के महल में रहते हैं। शेर सुना रहा हूं, इसके बाद बेहतरीन मक्तबा तकरीर नवाज सुनाऊंगा। मक्ता पेश कर रहा हूं, इसके लिखने वाले हिंदुस्तान के मशहूर मेरे अजीज मेरे मुखलिस जनाबे मुबीन तारिक, जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, आप इनका दीदार कर सकते हैं। इन्होंने लिखी है, मक्ते में कहते हैं, क्या क्या शान रसूल कोई किस शान का वो नूर मुजस्सम है तारिख, 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 वहां जिस्म नहीं यहां साया नहीं, वहां जिस्म नहीं यहां साया नहीं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, और ये जो देखते हो लिबासे बशर ये धोखा है, ये मौजजा के लिबासे बशर में रहते हैं।
खुदा खुद तालिब है, जिसका खुदा खुद तालिब है, फिर जिसका खुदा खुद तालिब है, उस जात का आलम क्या होगा। उस जात का आलम क्या होगा।